हेलो एवरीवन, दिव्यास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं रोहू फिश करी बनाऊंगी और रोहू फिश करी सरसों के मसाले में ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं आज सरसों के मसाले में ही बना रही हूँ। और राइस के साथ तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। रोहू फिश करी बनाने के लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये 1 किलो रोहू फिश है जिसको मैंने वॉश करके ऐसे रख लिया है, और ये धनिया पत्ता है, और ये हरी मिर्ची है, लंबी लंबी कट किए हैं मैंने, और ये आधा चम्मच जीरा है, ये आधा चम्मच काली राई, ये आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, ये 2 चम्मच साबुत धनिया है ये, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये 2 मिर्ची है, और थोड़ा सा काली मिर्च के दाने, ये आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और ये थोड़ा सा मेथी दाना, 1 सूखी मिर्ची और 1 तेज पत्ता है, और 10-12 लहसुन के दाने हैं, और ये 2 बड़ा चम्मच ये पीली सरसों है, और ये 1 चम्मच ये लहसुन का पेस्ट है, और हल्दी मिर्ची पाउडर मैंने डाला है इसको फिश को मैरिनेट करने के लिए, और ये नमक है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और ये 1 बड़ा टमाटर है जिसको मैंने ऐसे कट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ़िश को मैरिनेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये फ़िश को मैरिनेट कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये जो लहसुन और ये सब लिया था इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा नमक, और उसको अच्छे से पूरा कोट कर लेंगे फिश में। अब ये सब मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं मसाला पीस लेती हूँ। तो मैं अब मसाला पीस लेती हूँ। अब मैंने जो पीली राई लिया था उसको डाल दिया, आधा चम्मच काली राई, ये जीरा, ये धनिया, ये लहसुन, और ये 2 सूखी मिर्ची। आप जितना तीखा खाते हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च के दाने। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसका पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए अब मैंने कितना बारीक पेस्ट बना लिया है इसका। इसको बहुत बारीक पीसने से बहुत बढ़िया ग्रेवी बनती है इसकी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैं फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ। देखिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है, और इसमें मैंने 4-5 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अभी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैं इसमें फ़िश डालूँगी। सरसों के तेल में ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हो। तो अब मैं फ़िश को डाल देती हूँ। अभी एक बार इसको पलट देते हैं। इसको बहुत जल्दी जल्दी पलटना नहीं पड़ता है, ये अच्छे से फ्राई होगा, और मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करती हूँ, बस लाइट ही फ्राई करती हूँ इसको। देखिए अभी ये ब्राउन हो गया है, तो अब एक एक करके इसको पलटते रहें, ऐसे 3-4 बार ऐसे पलटना पड़ता है इसको। और बहुत ज़्यादा मैं इसको कड़क फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का ही फ्राई अच्छा लगता है। ये रेहू के अंदर थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा दूर हट के इसको फ्राई करें, नहीं तो इसके छींटे पड़ सकते हैं।
तो अभी हो गया है, मैं इतना ही फ्राई करूँगी। तो मैं एक एक करके अब इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैंने जो बाकी का रखा था उसको डाल देती हूँ। ऐसे ही सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। मैंने सारे फिश को निकाल लिया है और ये छन्नी से छान के मैंने इसको रख दिया है। अब ये मेथी दाना डाल देती हूँ। मेथी अच्छे से फूटनी चाहिए, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। अब मैं ये सूखी मिर्च और तेजपत्ता भी डाल देती हूँ। जब ये अच्छे से फूट जाएगा तब इसमें मसाला डाल देंगे। तो अब मैं ये जो मैंने पीस के मसाला रखा था उसको भी मैं डाल देती हूँ। अब मैंने ये मसाले को डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से चला के भून लेंगे। अब इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इसी के साथ मैं ये मिर्ची पाउडर भी डाल देती हूँ। ये मैंने मिर्ची पाउडर भी डाल दिया। अब इसको चला लेंगे, अच्छी तरह से चला के इसको भूनते रहेंगे। अगर मसाला चिपकने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इसको ऐसे चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। अब इसको मिला दें अच्छी तरह से। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला तेल छोड़ रहा है, तो अब इसी में मैं ये टमाटर भी जो कट के रखे थे इसको भी डाल देती हूँ और इसी में मिला लेंगे। अभी इसको थोड़ी थोड़ी देर ढक्कन लगा के भून लेते हैं, तो जल्दी भून जाएगा। तो अभी फिर से ढक्कन उठा के देख लेती हूँ। ये बीच बीच में मैंने ऐसे स्टर कर दिया था और ऐसे ही चलाते हुए भूनते रहे इसको। और जब ये तेल छोड़ देगा फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो अब ये ऑलमोस्ट मसाला भुन चुका है। देखिए जब ये भुन जाता है तो इसका इस टाइप का कलर हो जाएगा। जब ये ब्राउन जैसा कलर हो जाएगा फिर इसमें पानी डालना चाहिए, नहीं तो ये इसका मसाला फिर कच्चा रह जाएगा। और ये अच्छे से भून के ये टमाटर भी पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाता है। तो अब इस स्टेज पे मैं पानी डाल देती हूँ। मैंने इसमें पानी डाल दिया है, 2-3 गिलास पानी, क्योंकि ये फिर बाद में इसकी ग्रेवी थिक हो जाती है। तो इसके लिए फिर उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें फिश डाल दूँगी, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया है। देखिए इसका ऐसा कलर आना चाहिए। देखिए अब मैंने पानी डाल दिया है इसमें। मैंने इसमें काली राई और पीली राई दोनों डाला है। काली राई बिल्कुल थोड़ा सा डालें और पीली राई मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। अब इसमें ग्रीन चिली भी मैंने डाल दिया और ये थोड़ा सा जो मैंने कसूरी मेथी रखा था वो भी डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालती हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता भी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। अब इसको कवर कर देती हूँ। इसमें मैंने कसूरी मेथी, हरी मिर्ची सब डाल दिया है। अब मैं यहीं पे ये अमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, इससे थोड़ा सा और ये खट्टा हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको ये नहीं खाना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए आपको
तो आप मत डालो इसको, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ये खट्टा, तो मैंने इसको डाला है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको 10 मिनट पकने देती हूँ। देख लेते हैं अभी, देखिए अब 10 मिनट हो गए हैं और ये तेल ऊपर आ चुका है, मतलब कि ये ग्रेवी पक गई है। अब मैं इसमें फिश डाल देती हूँ एक एक करके, ऐसे फिश को डाल दें। अगर आपको ज़्यादा पूरा फिश नहीं डालना है तो आप आधा फ्राई करने के लिए रख सकते हो, फ्राई में खा सकते हो। देख लेते हैं फिर से। ये अब देखिए ये फिश बन के तैयार है और इसका तेल ऊपर आ चुका है, मतलब ये पक चुका है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको मैं डिस आउट कर लेती हूँ। देखिए ये फिश करी कितनी अच्छी लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो आप एक बार मेरे तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।